بسم الله الرحمن الرحيم ایک جگہ تے اپنے محبوب دا ذکر کیوں نہیں رکھیا اللہ فرماندا ہے ایدے وچ راز ہے ہر گل وچ ایک گل ہے ہر نقطے وچ ایک نقطہ ہے ہر گل دے پیچھے ایک گل ہے جیڑا بندہ وچ والی گل سمجھیا اودی تے گل ہے बाबा बुल्ले शाह सरकार फरमाते हैं गल एक नुकते ते मुकदी है एवें जो बंदा गुजर झगड़ा पावे पानी च मधाणी पावे ते उहदे विचों किहड़ा मक्खण निकलना है गल ते एक नुकते ते मुक जांदी है जे अल्लाह की मेहरबानी हो जाए फजल हो जाए ते या अल्लाह हर जगह उत्ते अपने नां नाल अपने महबूब का नां रखिया ही ते इत्थे क्यों नहीं रखिया अल्लाह फरमाउंदा जदों जानवर की गर्दन ते छुरी फिरीए उह तड़प रिहा है उहनूं तकलीफ पई हुंदी है ये गल मैनू पसंद ही नहीं आई कि जिक्र मेरे सज्जन दा होवे शायद तड़पदी रह जाए दो गल्लां हो गईआं जी अगली शुरू करने हैं आखिरी गल अज़मत कुरान ते करांगे अगली शुरू करना टाइम जाया नहीं किया आपका बाकी हर जगह के अंदर अल्लाह के नां नाल साडी सरकार दा नां जुड़िया होया है ऐस मजमे विच है कोई इस गल का स्वाद लैण वाला एक बार मैं फिर अर्ज कर दिया ना अल्लाह के नां नाल साडे नबी का नां जुड़िया होया साडे कई मुसलमान भरा इरशाद फरमाते हैं कि जनाब तुसीं जिहड़े अहले सुन्नत हो एक ज़ियाती करदे हो तुसीं सरकार दे नां नूं एडा उच्चा करदे हो एडा उच्चा करदे हो कि रब दे नां दे बराबर कर दिंदे हो मैं निहायत एहतराम नाल निहायत अदब नाल निहायत प्यार नाल उन दोस्तों की बारगाह में अपील करांगा दरखास्त पेश करांगा कि थोड़ी जी नज़रसानी करो अगर असा नबी पाक का नाँ चुक के अपनी मर्जी नाल अल्लाह के नाँ के बराबर करिए तो फिर तो असा मुजरम हाँ तो जी अल्लाह सज्जन का नाँ अपने नाँ नाल आप जोड़े तो फिर तेरा कसूर भी नहीं साडा कसूर भी नहीं मैं जुड़ी सिर्फ एक जगह लग्या जी दसा कोई खिताब नहीं कोई तकरीर नहीं इत्थे आके तकरीर ना भी होवे तो मेरी इज्जत है तुहाडी ज़ियारत कर लेना ही मेरे वास्ते बहुत काफ़ी है तुहाडी बहुत ज़्यादा मेहरबानी है बड़ी शफकत है कि इतने सुरीले ते इलम वाले बंदे सुनन दे बावजूद तुसां बाइज़त साथी मेरे जैसे गुनाहगार दियां साडियां गल्लां भी सुनन वास्ते तशरीफ फरमाओ लो जी इहदी वंड करने कलमे शरीफ नूं ज़रा ज़ेहन विच लियाओ मैं की आखिया जरा सारे बोलिया करो जवाब दिया करो अच्छी गल है कलमा शरीफ आ गया ना इत्थे ज़हन विच मैं हुण सिर्फ तवज्जो दिलाना तुसीं सिर्फ ए अंदर दी तवज्जो करनी है कलमे शरीफ विच जिथे अल्लाह दी हे मुक रही है उत्थों मुहम्मद दी मीम शुरू पई हुंदी है मजे वाली गल है कि ला इलाहा इल्लल्लाह तो बाद जिथे साडे नबी दा नां है ना बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह तो बाद अगे साडे नबी दा नां है साडे नबी दे नां तो पहले इत्थे ढेर सारे नां अल्लाह दे नां नाल जुड़े सन ते फिर वह नां लै गए सन मैं आलमा की तवज्जो बहुत ही चाहना जरा दुआ दिंदे रहणगे जी इहदी मैं मिसाल दिंदा जिला पाकपतन के अंदर जिहड़ा डीसीओ साहब तशरीफ लै आया उहदा नां दफ्तर के सामने लिखिया है वो तशरीफ लै जाए तो वो नाँ की तख्ती लै जाएगी जिहड़ा होर बाइज्जत आ जाएगा वो नाँ की तख्ती लग जाएगी वो तशरीफ लै जाए वो नाँ की तख्ती लै जाएगी नवा आएगा तो वो नाँ की लग जाएगी यानी वड्डे अफीसर दिए नाँ दियाँ तख्तियाँ लगदियाँ भी रहिंदियाँ ते लैंदियाँ भी रहिंदियाँ तुसी बोलो तो भावें ना बोलो वेखो सदा तल तो गल गुनाहगार दी सुनो ये कलमे शरीफ में जिथे साडी सरकार दा नां लिखिया है इत्थे ढेर सारे बाइज्जत नावां दियां तख्तियां लगदियां भी रहियां ते लैंदियां भी रहियां पर जदों साडे नबी दी लगी है फिर इंज लगी है फिर लत्थी नहीं सुभान अल्लाह सारिआं नहीं आखिया जरा शफकत करके मैंने तरले नाल प्यार ना जी सख्ती कोई नहीं सख्ती होनी नहीं चाहिए प्यार दी गल है एक बारी मुहब्बत नाल अल्लाह दी तस्बीह बयान करो तो गल सोहनी सरकार दी मैं करना चाहना ये जरा इलमी बात है मेरी इन्नी औकात तो नहीं लेकिन एवं मैं कोशिश की है मैं सादे बंदियां नूं समझावां ये किसी वड्डे आलमे दीन का काम से
यह मेरी गल कर नहीं सी लेकिन कर रहा। कलमे शरीफ में जिथे अल्लाह का नाम मुकदा ला इलाहा इल्लल्लाह इथे अगे जिथे साडे सरकार का नाम है जिथे साडे हजूर की तख्ती लगी है इथे कई बाइज्जत तख्तियां लगियां भी सही ते तख्तियां लतियां भी सही। मैं पहली तख्ती पढ़ के लग्या जी सुना ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह जनाबे आदम अलैहि सलाम दे नां दी तख्ती लगी साडे बाबा जी आखिरी आरामगाह विच तशरीफ लै गए तख्ती लै गई। मैं हैरान हाँ भी बंदे इंज इंज करते हैं जुबान नहीं हिलाते पांच किलो का सिर हिलाना छटाके की जुबान हिला जा लतीफे मैनू कोई भुले नहीं तो मैं छोर भी नहीं तो परसों बाद भी नहीं शुरू किया लतीफे नाल जो आपां इबादत खराब करांगे। सोहणियां गल्लां सुनो आप जवाब दिओ ते सीने ठंड पवे ते नमाज पढ़िए ते दुआ होवे ते मैं पैगाम दे लवां जनाब। भई जनाब आदम अलैहि सलाम दे नां दी तख्ती लगी बाबा जी तशरीफ लै गए ते तख्ती मालिक ने ला ली अगले नबी की तख्ती लग गई ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजीउल्लाह एसानिए आदम है 313 रसूलों विचों पहला रसूल है जनाबे नूह अलैहि सलाम। जनाबे नूह तशरीफ लै गए तख्ती लै गई हजूर दे दादे की तख्ती लग गई ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह जनाबे इब्राहिम अलैहि सलाम चले गए तख्ती लै गई ला इलाहा इल्लल्लाह इस्माइल ज़बीहुल्लाह जनाबे इस्माइल अलैहि सलाम चले गए तख्ती लै गई ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह हजरत मूसा अलैहि सलाम आखिरी आरामगाह तशरीफ लै गए तख्ती लै गई ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह ईसा चौथे आसमान से चले गए तख्ती लै गई ते फेर तख्ती लगी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह ये इंज लगी ये फिर कयामत तक लत्थी नहीं। किनिया वंडा कीतियां मैं पहली शायद गल की है भी दो शावां दी अल्लाह हद दूजी मैं गल की एक जगह ते सरकार दा नां तीसरी जगह मैं की है कि सरकार दे नां दी तख्ती लगी है तो फिर लत्थी नहीं। चौथा नुकता लग्या जी अर्ज कर ला इलाहा इल्लल्लाह दे अरब भी 12 जे गिनती ना करो मेरे ते इतबार कर जो 12 ही ने ला इलाहा इल्लल्लाह दे अरब भी 12 मुहम्मद रसूल अल्लाह दे अरब भी 12 अल्लाह उत्ते भी नुकता कोई नहीं मुहम्मद उत्ते भी नुकता कोई नहीं साडी सरकार दे ना उत्ते नुकता कोई नहीं। ठेकुआ शरीफ विच आने वाले सरकार दे गुलामों तुहाडी अजमत नूं मेरा सलाम है मैं हथ बन के पैगाम पिया दिना कि साडी सरकार दे नां विच नुकता कोई नहीं या अल्लाह सज्जण दे नां उत्ते नुकता क्यों नहीं रखिया। अल्लाह फरमांदा वंड करके बंदियां नूं पिया समझाना मैं रब आप टक लाना पिया गल ते बीजी दे ना उत्ते मैनू नुकता पसंद नहीं ओदी शान विच कोई नुकता चीनी करे ओ गंदी जुबान मैनू किवें चंगी लगेगी। सुभान अल्लाह एक बारी सारे छल मारो ते नुकता एक होर सुनाइए जी फिर जरा अजमत कुरान पढ़नी है अजे गल विच मेरे ज़हन विच अजे वो बच्चे ने जेड़े मावा मैं इत्थे रो पिया अल्लाह दी कसम तुसी जरा तवज्जो नाले मंजर वेखो बहुत वड्डा मंजर है ऐसे नूर भरे चेहरे ऐसे नूरानी लोग ते बालां दे सिर दे उत्ते सरकार दे दीन दी पग पै बनांदे ने मैनू वो अब्बा विखाओ जी दे दिल विच खैश पूए ना उठी होवे वो ते इंसान ही नहीं। मैं दिलों प्या सोचदा सा या अल्लाह कदी मौका है दे ए अता फरमा कि मेरा पुत्र भी इंज कुराने पाक दा हाफज बने ते सैयद फकीर रल के ओदे सिर उत्ते पगड़ी बनान ते मैं कितना राजी होवांगा ओदी बच्चे दी मां कितनी राजी होवेगी। फिर यह सोचने वाली बात है जिदा बच्चा दीन दा कारी बनेगा ओदे उत्ते खुदा कितना राजी होवेगा मदीने वाला मुस्तफा कितना राजी होवेगा। एक नुकता और सुनो जी साडे नबी दी 63 साल जिंदगी है जरा तुसा मैनू जवाब दो कितनी है माशाल्लाह एक बारी सारे फरमा दिओ ना मेरा यह मकसद नहीं भी तुसी नहीं बोलोगे कोई गुनाहगार हो जाएगा बंदा ना बोले गुनाहगार नहीं हुंदा लेकिन बोलन नाल जरा गल याद हो जाती है आ जितने भरा खड़े हो बैठे हो माशाल्लाह सारे सरकार दी बारगाह च असी हाजरा चेहरे सदार दे वेखो ये घर ही वेखण दे काबिल है इन्हां दा चेहरा वेखना सवाब है
ਤੇ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖੋ ਸਜਦਾ ਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰੀ ਉਮਰ 63 ਸਾਲ ਏ, 63 ਸਾਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਕ ਜਿਸਮ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਪਲੀਤ ਮੱਖੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਹਿਣ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਰੋਗਿਆ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨੁਕਤਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਸਮਝਣਾ ਜੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਮੱਖੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਲੀਤ ਮੱਖੀ ਮੇਰੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਨਾਬ ਦੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੱਖੀ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਰੂੜੀ ਤੇ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਭੈੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਉਹਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗਾ ਹੋਵੇ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਬਕਾਇਦਾ ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਦੇ ਪਾਕ ਜਿਸਮ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਪਲੀਤ ਮੱਖੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਹਿਣ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਬੋਲ ਪਵੋ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਬੋਲ ਚਾਲ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੋਲ ਪਿਆ ਕਰੋ। ਬੋਲ ਚਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਝੁੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਸਦੇ, ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਪਕਾ ਲਵੋ। ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਲਮਾ ਵੱਡੇ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਨੌਕਰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰੌਲਾ ਪਾ ਛੱਡੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਦੇ ਪਾਕ ਜਿਸਮ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਮੱਖੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਹਿਣ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸਮ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਨਬੀ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੱਖੀ ਰੱਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਦਾਈ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਏ ਆਖਰ ਇਹਦੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੰਡ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮਾਂ ਆਖੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਜਨਾਬ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚਰਜ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਹੁਕਮ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਇੰਜ ਆਖੋ ਵੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਦੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਲਵੋ, ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਮੇਰਾ ਬਾਇਜ਼ਤ ਮਜਮਾ ਹੁਕਮਨ ਪਿਆਂਦਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ। ਕੋਈ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਜੀ। ਮਸਲਨ ਸੱਪ ਦੇ ਪੈਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਸੱਪ ਦੇ ਪੈਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁਸੈਨ ਵੰਡ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਹਰ ਗੱਲ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨੁਕਤਾ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤਵੱਜੋ ਕਰੋ। ਸੱਪ ਦੇ ਪੈਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੱਛੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੱਛਰ ਦੇ ਦੰਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਖਿਤਾਬਤ ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੋ ਮੁਤਮਿਨ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁਸੈਨ ਮੁਤਮਿਨ ਹੈ। ਸੱਪ ਦੇ ਪੈਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣੇ ਹੋ, ਮੱਛੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੱਛਰ ਦੇ ਦੰਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਵੇਖ ਜੀ ਦਾ ਦੰਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲਾ ਲਵੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਉਂਦੀ। ਅਗਲੀ ਵੰਡ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਮੱਛਰ ਨੂੰ ਬੋਜ਼ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਬਹਾਦਰ ਸਮਝਦਾ। ਕੋਈ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਸਾਂ ਰਾਤ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ, ਤੇ ਸੁਬਾ ਜਿੰਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪੀਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਜਿੰਨ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੱਛਰ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰ ਸਮਝਣਾ, ਬੋਜ਼ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਜੀ ਇਹਦੀ ਵੰਡ ਕੀ ਹੈ? ਬੋਜ਼ਦਿਲ ਬੰਦਾ ਛੁਪ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ, ਬਹਾਦਰ ਦੱਸ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਮੱਛਰ ਨੇ ਛੁਪ ਕੇ ਕਦੀ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪਹਿਲੇ ਕੰਨ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਟੀ ਟੀ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦਾ, ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਮੱਛਰ ਹਾਂ ਪਰ ਮੂਦੀ ਜੈਸਾ ਬੋਜ਼ਦਿਲ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਪੀਰ ਭਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਕਾ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨੌਕਰ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਹਨਾ ਮੱਛਰ ਜਦੋਂ ਡੰਗ ਮਾਰਦਾ ਇਹ ਕਦੀ ਛੁਪ ਕੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਕੰਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਜਗਾਉਂਦਾ, ਅੱਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਵੀ, ਅੱਲਾ ਰੱਖੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਦੀਨ ਨੂੰ ਵੀ।
पहले टू टू करता है, जो चंगी तरह बंदा बेदार हो जाता ना फिर हमला करता है। ओए मैं तेरे नालों ते मुदिया है, मच्छर भी ज्यादा बहादुर है, दुश्मन होवे लख वारी पर अल्लाह करे छुप के हमला करने वाला ना होवे। हमला छुप के भी कीता सू पर छोटे ला के असी दसिया ना भी तेरा साडे नाल मुकाबला नहीं। कुजा पलीत चीजा पीन वाले, कुजा आबे जमजम पीन वाली कौम। माशाल्लाह खुश रह जी। साडे नबी दे जिस्म ते अल्लाह पलीत मक्खी नहीं बैठ दित्ती। मैं जी वड़ लग्या करन जी, उस तो बाद मैं एक कुरान दी फजैल ते विच गल करांगा ते फिर मिंबर छोड़ांगे। दुआ मंगने आ, लंगर शरीफ भी है, दुआ भी है, ते दुआ मगज हुंदा है। दुआ मंगण तो पहले कंड विखा के ना जाया करो। मैनू अच्छा नहीं लगता वह बंदा जिहड़ा सारा दिन मजदूरी करे ते जदों मजदूरी लैण दा टाइम होवे ते रुस के चलिया जाए। ये जिंदगी च ऐसा ना करिया करो, दुआ विच शामिल होया करो। जदों दुआ हुंदी है उदों सहबी और उसकी रूह रूहानी तौर महफल दे विच मौजूद हुंदी। साडे नबी दे जिस्म ते अल्लाह पलीत मक्खी नहीं बैठ दित्ती। मैं थोड़ा जा तब्दील करना, साडी सरकार दा दरवाजा है ना जिहड़ा दरवाजा पाक, उस दरवाजे दे विच्चों अल्लाह मक्खी नूं अगे लंघण नहीं दिंदा। 63 सालां विच पलीत मक्खी नबी दे दरवाजे विच्चों नहीं लंघ सकी, नबी दे गेट विच्चों लंघ के अंदर नहीं जा सकी।